हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर जो आपका चैनल है उसमें आपका स्वागत है एक बार फिर से। और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। उसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, उससे बेहतरीन वीडियो आती रहेंगी। अब हम टेक्निकल भी बताने लग गए हैं, तो वीडियो और कुछ ब्रेकआउट भी पकड़ने लग गया है, उससे रिलेटेड भी हम बातें करते रहते हैं। जैसे कि अभी एक शेयर से रिलेटेड ब्रेकआउट यहाँ पर देख सकते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड वीडियो हमने बताई है, और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने चार शेयर से रिलेटेड आपको बात बताई गई है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ उससे रिलेटेड हमने बातें करी है। तो इन वीडियो को जाके देखिए, अपनी नॉलेज को शार्प करिए। बाकी ये प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, ब्रेकआउट स्टॉक, Q4 के रिजल्ट और स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। इन वीडियोज को देखिए, इससे आपकी नॉलेज शार्प होगी। ओके, आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट है क्या, और नॉलेज लेके आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपका पैसा जितना बनेगा ना, कोई और दूसरे फील्ड में नहीं बन सकता। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और बहुत सारी वीडियो के लिंक है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें तो ये इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई, ओके, बट हमने बताया है कि अडानी के जो 5 शेयर मार्केट में लिस्ट है उनमें से कौन से शेयर है जो अच्छे खासे है, ओके, किस स्टॉक में लिस्ट आपको रहना चाहिए। अगर हम बात करें, मैंने ATGL अडानी टोटल गैस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, मैंने खुद 350 रुपीज में खरीदा था और मैंने 1000 रुपीज पे मैं निकल गया था, ओके, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। और ये जो स्टॉक है इससे रिलेटेड आज पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ये दूसरे शेयर भागे हैं जो इससे दुगने हो चुके हैं, ये शेयर भी जा सकता है। तो उसी चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे, और अडानी पोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोज और कॉन्स जो भी है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर कुछ इसमें कमियां है वो उससे देखेंगे, करता क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अडानी पोर्ट्स, ओके, आपको पता ही है अडानी ग्रुप का शेयर है और इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी साहब के यहाँ पर ये शेयर नजर कंपनी है। वन डे का चार्ट पैटर्न देखते हैं, अच्छा खासा शेयर भागा है, उसके बाद यहाँ पर 900 रुपए से यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट भी हुई है, ओके। तो यहाँ पर हर चीज को देखना है। तो यहाँ पर जो ये शेयर है वॉलेटाइल शेयर है, एज वेल एज यहाँ पर ट्रेडर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ट्रेडर्स के साथ साथ यहाँ अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आप बीच में कभी फंस भी सकते हैं, ऐसी ही बात। और ये शेयर ना जिसके लिए बनाया गया है, ये शेयर बनाया गया है गैम्बलर्स के लिए। अगर कोई गैम्बलिंग करना पसंद करता है ना, कोई जुआ खेलना पसंद करता है, तो इस शेयर में आप दाव लगा सकते हैं, अडानी के शेयर्स में दाव लगा सकते हैं। पैसा चाहे आपका दुगना हो सकता है या फिर आपका पैसा निल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखे, ओके, यहाँ पर अच्छा खासा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखे, इसके जब रिजल्ट देखे थे तब यहाँ पर ये शेयर नजर आ रहा था, तब हमने कहा था कि एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद से अच्छा खासा भाग चुका है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, ईयर टिल डेट का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 1 ईयर का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न देखें, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर शेयर चल रहा था, फिर उसके बाद गिरावट हुई, और फिर गिरावट के बाद जो ये भागा है लगभग 250-300% के रिटर्न दे दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2007 से मार्केट में लिस्ट, 13-14 साल हो गए है, एक ही रेंज में यहाँ पर पहले ट्रेड कर रहा था, फिर भागा, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज, और फिर जो ये पर्टिकुलर ईयर आया पेंडेमिक के बाद, इससे अडानी के जितने भी शेयर है सारी सबकी किस्मत चेंज हो गई है। 30 रुपए का शेयर इनका अडानी ग्रीन, ओके, वो आज की डेट में 1200-1300 रुपए पे चलता हुआ नजर आता है। टोटल गैस यहाँ पर 80 रुपए का शेयर 1600 रुपए पे नजर आता है। ऐसी अडानी एंटरटेनमेंट, ऐसी एंटरप्राइजेज एज वेल एज अडानी पावर भी इसी तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है। तो अडानी पोर्ट से रिलेटेड और भी कुछ बातें करें, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ट्रेडर्स में यहाँ पर ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं लोग। 3 करोड़ 12 लाख शेयर में से केवल 30 लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे, 9% शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे गए हैं, बाकी सब ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। 52 वीक लो की बात करें तो ऑपरेटर भी यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। 298 रुपीज का ये शेयर था 27 जुलाई को, और आज की डेट में 900 रुपए का शेयर ये 9 जून को इस आज के दिन में ही जाता हुआ दिखाई दिया था। आज इसका 52 वीक हाई भी है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर हम देखे तो, और यहाँ पर डिविडेंट यह कंपनी ने 2020 में दिया था, 19 में दिया था, तो इस चीज को देखना है। डिविडेंट अडानी ग्रुप को ज्यादा देता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 63% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, अगर हम बात करें तो उनमें
से भी देखिए यहाँ पर 15-16% के शेयर यहाँ पर गिर भी है। तो ये एक यही चीज है जो नेगेटिविटी यहाँ पर शो करती है, क्योंकि अडानी शेयर जितने शेयर है मोस्टली यहाँ पर गिर भी नजर आते हैं, बट अडानी धीरे धीरे उन्हें छुड़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है ये चीज। और अगर हम यहाँ पर देखें और भी कुछ पैरामीटर, तो यहाँ पर रिटर्न भी देख सकते हैं, वन डे का नेगेटिव है, बाकी सारे पैरामीटर्स पे ईयर ऑन ईयर और वीकली मंथली बेसिस पे अच्छे खासे रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर 450 के रिटर्न है, और एक साल में लगभग 300% का रिटर्न इसने दिया है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। एज वेल एज बात करें कुछ बिजनेस मॉडल की, तो अडानी की बात करें, अडानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर पोर्ट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, समुद्र के किनारे लगे होते हैं पोर्ट्स, वहीं से ही सामान आता जाता रहता है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर इनके ये पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट्स, दहेज पोर्ट्स, मोरुमुगाव टर्मिनल, कट्टुपल्ली पोर्ट, विजाग टर्मिनल, कृष्णापट्टनम तुना टर्मिनल, हजीरा पोर्ट, और यहाँ पर 3-4 इस तरीके से पोर्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड्स की बात करें, तो यहाँ पर इनकी यूटिलिटी इंडस्ट्रियल लैंड्स भी है। लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पार्क, यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज, वाटर हाउसिंग, ऑटो, रेल ऑपरेटर, एग्री लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, और एज वेल एज यहाँ पर बात करें ड्रेजिंग से रिलेटेड, तो मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पर काफी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर इनकी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और अभी वॉलमार्ट के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ा इनके लिए लॉजिस्टिक बनाने के लिए बात चल रही है, जो कि 1-2 साल में शायद बनता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी डील थी वो भी वॉलमार्ट और अडानी पोर्ट्स या फिर अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस है ओके इनका अडानी पोर्ट्स की। और कुछ बातें करें, तो देखिए अभी मार्केट कैपिटल की बात करें, तो 1,78,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर 92 के पीई पे चल रहा है, और यहाँ पर 10% के आरओसी पे कंपनी ट्रेड करती है। डेट की बात करें, तो लगभग 1.5% का यहाँ पर डेट है। प्लेजिंग की बात करें, 16% के शेयर प्लेज है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सेल्स की बात करें, तो सेल्स यहाँ पर 1,000 मतलब ऊपर नीचे जाते हुए, मतलब वॉलेटाइल आपको होते हुए नजर आएंगे, बट अगर बात करें पिछले 3-4 क्वार्टर्स की, तो उसमें पिछले 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है, 3 क्वार्टर के, वो अच्छे खासे रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट की बात करें, पिछले प्रॉफिट ही लगभग उसी तरीके से ऊपर नीचे वॉलेटाइल होता हुआ नजर आता है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो भी यहाँ पर अच्छा खासा, पहले 916 करोड़ था, फिर घटता हुआ नजर आया, फिर दोबारा बढ़ा, फिर घटता हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर इनके रिजल्ट भी है क्वार्टरली बेस। ईयरली बेस की बात करें सेल्स की, तो देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स हाईएस्ट एवर, अभी पिछले 3-5 क्वार्टर साल से यहाँ पर हाईएस्ट सेल्स आनी शुरू हो गई है, बट 2018 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स थी, उसके बाद यहाँ पर गिरावट है एक तरीके से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एक बार यहाँ पर हुआ था, मतलब इस बार का तो नहीं, 2-3 साल पहले भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट हुआ है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो सेम इनका प्रॉफिट रेवेन्यू कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, तो इसी तरीके से चल रहा है। बट जैसे जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ओके, इंपोर्ट यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर इन जो ये पोर्ट से रिलेटेड शेयर है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इसे भी बहुत एडवांटेजेस मिलेगा। और जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का यहाँ पर अडानी साहब के साथ एक लिंकअप भी है, एक अलग तरीके का रिलेशन भी है, तो शायद ये शेयर भागते हुए और नजर आ सकते हैं। अगर बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, 21,000 करोड़ के रिजर्व्स से कभी 3,000 करोड़ के थे 10 साल पहले। बोरिंग की बात करें, बोरिंग ऑब्वियसली बात है 1.5% की बोरिंग है, मतलब अगर बात करें 32,000 करोड़ के लगभग यहाँ बोरिंग है। अगर फिक्स एसेट की बात करें यहाँ पर, तो 10,282 करोड़ की फिक्स एसेट भी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 21 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है। कैश भी इनके पास बात करें 3400 करोड़ का कैश है। ट्रेड रिसीवेबल 1,093 करोड़ का है। और यहाँ पर बात करते हैं आरओसी, तो यही सेम 10-11% के आरओसी के साथ यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं, तो 63 में से आपको पता ही है 16% प्लेजिंग है। एफआईज की बात करें, तो FIIs देख सकते हैं 17.9% की हिस्सेदारी, स्लाइटली यहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIIs की बात करें 14% की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट के 0.07% की, और पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास केवल 3.46% की हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी बड़े बड़े हाथों में है, ऑपरेटर्स के हाथों में है, FIIs के हाथों में है, DIIs के हाथों में है, HNIs के हाथों में है, इसलिए यहाँ पर ये शेयर में वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर बात की है, एक तरीके से जुआ ही खेलेंगे। देखिए 25%
परसेंट तक की प्राइसिंग ठीक रहती है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर प्राइसिंग ना ही हो तो बेहतरीन रहता है। बट यहाँ पर 16% की प्राइसिंग है, तो आप इस चीज को भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और मार्केट कैप आपको पता ही है, शेयर किस तरीके से भाग रहा है वो भी आपको पता है ऑलरेडी। अगर बात करें तो लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर, अडानी पोर्ट्स यहाँ पर देखे। ओके, तो चार्ट पैटर्न क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी तक तो कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न, छोटा सा यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ शायद नजर आए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें एक ये छोटा सा कप, और फिर यहाँ से जैसे बन रहा है ये छोटा सा यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बन सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये तो आगे पता चलेगा। बाकी अगर थोड़ा सा शेयर और गिरता है, 800 रुपए के आसपास आ जाता है, अगर मार्केट में और वॉलेटिलिटी आती है, तो इस शेयर की तरफ नजरें बना सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक तरीके की गैम्बलिंग होगी इन्वेस्ट करना। ओके, मैं इस तरीके के शेयर नहीं बताता और मैं इन्वेस्ट भी नहीं करता, बट थोड़ा बहुत अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेना पसंद करते हो, सो यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर शेयर, बट थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ या थोड़े से पैसे लगा के, कि अगर कल की डेट में वो कम भी हो जाते हैं तो आपको कोई इफेक्ट ना पड़े। बाकी जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में बिलीव करते हैं, वो फिर अच्छे अच्छे शेयरों में बने रहिए, वही बेहतरीन है, फिर इन शेयरों से दूर रहिए, जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फास्ट रिटर्न हमेशा जोखिम भरे होते हैं, इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो थी, तो यहाँ पर शेयर ने अच्छी खासी है कंसोलिडेशन फेज, फिर उसके बाद गिरावट, फिर एक तरीके से भागा है, तो ये अच्छे खासे गेन इसने दिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।